Good morning, all of you. My name is Khushbu. I read in 8th class. In front of you, I explain two dishes. Yes, square. Square की चार साइड होती है, चारों बराबर होती है. Square का ये जो तब होता है, side into side square. है triangle. Triangle की तीन साइड होती है, जो triangle का area होता है, वो होता है 1/2 × 5. ये है rhombus. Rhombus की चार साइड होती है, जो rhombus का area होता है, वो होता है d/2. ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होते हैं, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ये सर्कल, जो सर्कल का छोटे गोल आकार का होता है, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. या ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो होता है h1 × h2/2. यह पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट. दिस इज थ्री डी शेप. थ्री डी शेप और टू डी शेप से मदद से बनते हैं. ये क्यूब, क्यूब है तो छः स्क्वेयर को मिला के बनते हैं. और सी एस सी में हम इसका टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं, तो इसका सी एस सी होगा वो होगा 4 × साइड स्क्वेयर. और दोनों सरफेस एरिया हम इसकी 6 साइड देते हैं, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6 × साइड स्क्वेयर. इसी तरह हमारा क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड में जो क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल बना के बनता है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम 6 साइड देंगे. इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 LHS + 2 LB. यह सिलेंडर, तो सिलेंडर एक मेटल शीट को फोल्ड करके और दो सर्कल को मिलाकर बनता है. जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr(f). इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें हम इसके दोनों सर्कल भी लेंगे, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr(h+2πr)2. यह कोण, जो कोण एक मेटल शीट को फोल्ड करके एक सर्कल को मिला के बनता है, जिसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल. यह प्रिज्म, प्रिज्म में तो 3 रेक्टेंगल को और 2 ट्रायंगल को मिला के बनती है. थैंक यू.